हेलो फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल, कैसे हैं आप सब? लेट मी नो अबाउट दैट इन कमेंट सेक्शन। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जिन सेंटेंसेस के एंड में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, हम उन्हें किस तरीके से जो है ट्रांसलेट करते हैं, राइट? आज मैं आपको बताऊंगी कि जिन सेंटेंसेस के एंड में रहा है, रही है, रहे हैं के अलावा नहीं भी आता है, यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस, हम उन्हें किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिन सेंटेंसेस में एंड में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, उनमें हम सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का यूज़ करते हैं, राइट? तो नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए इट्स वेरी सिंपल। एक्चुअली आपको क्या करना है, इट्स नॉट दैट टफ। सिंपली इसमें नॉट का यूज़ हो जाएगा। कहाँ होगा, हमें बस इसका ध्यान रखना है, सब्जेक्ट के बाद जब इज एम आर आता है उसी के बाद नॉट का यूज़ होगा, राइट? नॉट का यूज़ होगा, बाकी सेम रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, राइट? तो यानी कि अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिंपली नॉट को यूज़ करना है इज एम आर के बाद, बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, चलो एक बार हम इनको स्टडी कर लेते हैं। आपको पता है, मैंने आपको बताया था मैं खेल रहा हूँ, उसके लिए हम लिख देंगे आई एम प्लेइंग, राइट? अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि जिन सेंटेंसेस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, लगता है, उन्हें हम किस तरीके से इंग्लिश में बोल सकते हैं, राइट? तो आज हम उसका नेगेटिव वर्जन कर रहे हैं। तो मैं नहीं खेल रहा हूँ, तो आई एम नॉट प्लेइंग, एम के बाद क्या आ गया, नॉट आ गया, राइट? सिमिलरली तुम झूठ बोल रहे हो, यू आर लाइंग, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, तो आर के बाद नॉट आ गया, यू आर नॉट लाइंग। हम सो रहे हैं, वी आर स्लीपिंग, हम नहीं सो रहे हैं, वी आर नॉट स्लीपिंग, राइट? आगे हम एग्जाम्पल देखते हैं। वो सब गा रहे हैं, अफर्मेटिव, दे ऑल आर सिंगिंग, राइट? वो सब नहीं गा रहे हैं, दे ऑल आर नॉट सिंगिंग। तो जैसे कि आपने देखा, हमने हर केस में क्या किया है, हमने हर केस में इज एम आर के बाद ही नॉट लगाया है, राइट? तो अब हमारा जो लास्ट सेंटेंस है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। राधा कपड़े सिल रही है, राइट? राधा कपड़े सिल रही है, तो ये क्या हो जाएगा, यस बताइए, राधा इज स्टिचिंग क्लॉथ्स, क्या हो जाएगा, राधा इज स्टिचिंग क्लॉथ्स। और अगर राधा कपड़े सिल रही है, राधा इज स्टिचिंग क्लॉथ, और अगर राधा कपड़े नहीं सिल रही, तो यस लेट मी नो क्या आ जाएगा, राधा इज नॉट स्टिचिंग द क्लॉथ्स, राइट? तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि किस तरीके से नेगेटिव सेंटेंसेस में हम नो का यूज़ करते हैं, और उसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस हमने क्या करना है, हमने इज एम आर के बाद नॉट का यूज़ कर लेना है, राइट? तो ये तो था हमारा नेगेटिव सेंटेंस, राइट? अब हम बात करेंगे